पंजाब में अमृतसर का गुरु नानक देव अस्पताल, मोदी सरकार ने पीएम केयर्स फंड से यहां 119 वेंटिलेटर भेजे। इस अस्पताल का एक वीडियो आपने जरूर देखा होगा जिसमें पीएम केयर्स वाले वेंटिलेटर कोरोना वार्ड के आईसीयू में होने की जगह अस्पताल के कॉरिडोर में धूल खा रहे हैं। पंजाब के हेल्थ ऑफिसर ने दावा किया कि 47 वेंटिलेटर खराब हैं, तो इनसे मरीजों का इलाज कैसे करें। राहुल गांधी ट्विटर पर लिखते हैं, पीएम केयर्स के वेंटिलेटर और स्वयं पीएम मोदी दोनों ही अपना काम करने में फेल हैं। जरूरत के समय दोनों को ढूंढना मुश्किल। क्या वेंटिलेटर के बारे में सच यही है जो राहुल गांधी बता रहे हैं? क्या सच उतना ही है जो पंजाब सरकार दिखा रही है? क्या पीएम मोदी ने खराब वेंटिलेटर अमृतसर भेजे या पंजाब ने वेंटिलेटर लगाने में लापरवाही की? वेंटिलेटर जिंदगी बचाने वाली मशीन है, इसमें थोड़ी सी खराबी भी जानलेवा हो सकती है, लापरवाही हो तो भी जान जा सकती है। इसलिए वेंटिलेटर वाली स्टोरी की पड़ताल हमने बहुत सावधानी से की। अमृतसर के अस्पताल के बारे में अब तक जो दिखाया गया वो तो आपने देखा, अब वो तस्वीर देखिए जो आपको कोई नहीं दिखाता। मैं एक्वा हेल्थ केयर से सर्विस इंजीनियर, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे सारे वेंटिलेटर ठीक हैं, पर यहाँ पे कई दिनों से वेंटिलेटर यूज नहीं हो रहा, धूल जमे हुए हैं, इनके काफ़ी गंदे हुए पड़े हैं, बहुत ज़्यादा धूल है, मिट्टी है, बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे लोग। और आप देख सकते हो अभी आगे किसी की ट्यूबिंग मिसिंग है, किसी का कुछ मिसिंग है, यहाँ देखिए इसका ट्यूबिंग मिसिंग है, इस वेंटिलेटर का बिना ट्यूबिंग के कैसे चलेगा वेंटिलेटर। सारे बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग है, आपको वर्किंग वाला दिखा देता हूँ। सर यहाँ पे कोई भी वेंटिलेटर यूज नहीं कर रहा है, सारे ऑन है, सभी के हालात बहुत ख़राब है वेंटिलेटर के, कोई भी यूज़ नहीं कर रहा है इन्हें, जिसके कारण ये सही चल नहीं रहे। पीएम केयर्स फंड के तहत वेंटिलेटर सप्लाई करने वाली कंपनी AGVA हेल्थ केयर के सर्विस इंजीनियर ने धूल में पड़े वेंटिलेटर को चलाकर दिखा दिया। पंजाब सरकार ने जिन वेंटिलेटर्स को कबाड़ की तरह रखा था वो वेंटिलेटर काम करते हैं, कोरोना मरीजों की जिंदगी बचा सकते हैं। वेंटिलेटर यूं ही कहीं काम नहीं कर सकते, इसके लिए आईसीयू का एम्बियंस चाहिए, एक खास प्रेशर पर ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए, 24/7 बिजली कनेक्शन चाहिए, और सबसे बड़ी बात अस्पताल में वेंटिलेटर चलाने वाले ट्रेंड टेक्नीशियन चाहिए। पंजाब के ही फरीदकोट में गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल, यहाँ के स्टोर रूम में 62 वेंटिलेटर कबाड़ की तरह रखे हुए हैं। बाबा फरीद हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी भेजे गए इन वेंटिलेटर्स के बारे में पंजाब सरकार का कहना है कि ये वेंटिलेटर शुरू से ही खराब है। GGSMC में वेंटिलेटर सप्लाई करने वाली कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL। गुरु नानक देव अस्पताल में वेंटिलेटर खराब होने की शिकायत आई तो BEL ने जांच की। BEL के टेक्नीशियन गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे। इस ऑफिशियल लेटर में BEL ने भारत सरकार को लिखा है, GGSMC अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई में दिक्कत मिली, ऑक्सीजन प्रेशर में 10 PSI से ज्यादा का अंतर मिला। नरेंद्र मोदी ने 2020 में पीएम केयर फंड से पंजाब को 809 वेंटिलेटर्स भिजवाए। भारत सरकार का ऑफिशियल डेटा कहता है कि पंजाब ने सभी 809 वेंटिलेटर रिसीव किए, मगर 6 अप्रैल तक पंजाब सरकार ने सिर्फ 532 वेंटिलेटर इंस्टॉल कराए, 277 वेंटिलेटर यूं ही डिब्बों में बंद रह गए। परसेंटेज टर्म में देखें तो 34% वेंटिलेटर पंजाब ने ना तो लगवाए ना रिटर्न किए।